किस्सा कुर्सी में आप सभी का स्वागत। आज हम पहुंचे हैं केदारनाथ विधानसभा सीट पर। भाजपा और कांग्रेस सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती है, क्योंकि आपने देखा 11 साल भाजपा की सरकार रही, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। जो 11 चोर जिनको चोर कहा बीजेपी वालों ने, महाचोर बना दिया, अपने यहाँ बुला दिया, उनके संबंध में आपके। और यहाँ का जो आम आदमी है, युवा परेशान है, उसके लिए रोजगार नहीं। आपने तब सड़कें कटवाई जब नानदत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री थे। जब 2007 में आपकी सरकार आई तब तो आपने कोई सड़कें नहीं कटवाई। तो अपना केवल ये मुनीम बदलना है, मुख्यमंत्री पर मुख्यमंत्री की खट्टी बनाने के लिए। यहाँ विकास कुछ नहीं किया है। ये सरकार चला रहे अडानी अमानी। अडानी अमानी के कहने से सरकार नहीं चलेगी। विधायक जी जो हमारे यहाँ पे आए मनोज रावत जी, उनका कहीं नाम नहीं। मनोज रावत जैसी शख्सियत और अच्छा पढ़ा लिखा इंसान पूरे क्षेत्र में काम कर रहा है। प्रदेश में विकास की गंगा बहा दी गई है महोदय, ऐसी गंगा बहाई है कि 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। एक भी विधायक मंत्री की यह कहने की हिम्मत नहीं हुई कि यह फैसला पहाड़ के पक्ष में नहीं, यह चार धाम के पक्ष में नहीं है। तो साहब, ये हमारा उत्तराखंड है, ये आपकी भाजपा की कोई प्रयोगशाला नहीं है कि जो आप इसमें 5 सालों में 2 मुख्यमंत्री 4 मुख्यमंत्री बना दीजिए। हमारा जो नारा है अब की बार 60 बार। नमस्कार, न्यूज वर इंडिया के खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुभाष गौड़। आज हम पहुंचे हैं केदारनाथ विधानसभा सीट पर, जहां हम जानेंगे कि आखिरकार केदारनाथ सीट पर कितना विकास कार्य हुआ और देवस्थानम बोर्ड जैसे मुद्दों को लेकर क्या सरकार कितनी सचेत है, और साथ ही स्थानीय लोगों की अब क्या मांग है। इससे पहले हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल से हैं गजपाल सिंह रावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हमारे साथ भाजपा से हैं नागेंद्र राणा जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। इसके साथ ही कांग्रेस से हैं हमारे साथ हरीश गुसाई जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं सुमंत तिवारी जी। इसके साथ ही जनता भी यहाँ मौजूद हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अब हम जानेंगे कि आखिरकार कितना विकास कार्य केदारनाथ विधानसभा सीट पर किया गया और क्या उस विकास कार्य का फायदा आम जनता को हुआ या नहीं। शुरुआत करेंगे यहाँ के स्थानीय विधायक के प्रतिनिधि के तौर पर। सर आपसे जानते हैं कितना विकास कार्य आपके विधायक जी ने क्षेत्र में किया है। धन्यवाद सर। प्रथम मैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया को धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग हमारे बीच में आए। केदारनाथ विधानसभा की तमाम जो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो जनता क्या चाह रही है और वर्तमान विधायक ने जो क्षेत्र में काम किया है, मैं आपको बता दूं। सर्वप्रथम हमारे विधायक जी ने जो हमारे केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की मूलभूत समस्या थी देवस्थानम बोर्ड, उसके लिए हमारे विधायक जी ने विधानसभा के पटल पर देवस्थानम बोर्ड के बारे में सरकार को इतना जलील कर दिया। लेकिन ये अंधी बहरी सरकार जो हमारे देवस्थानम बोर्ड पे हमारे लोगों की कोई भी समस्याओं को सुनने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि ये लोग केवल मंदिरों का जो धन है उसको बटोरने पे लगे हुए हैं। आपके विधायक है, क्षेत्र में क्या विकास कार्य किया जिससे जनता को फायदा हो? 4.5 साल का कार्यकाल पूरा कर दिया विधायक जी ने। विधायक जी ने 4.5 साल में सर्वप्रथम हमारे यहाँ के लोगों का पलायन रोकने के लिए हमारे तमाम ट्रैकिंग के माध्यम से स्लालम और जो हमारे यहाँ पे क्षेत्र में जितने भी कार्य हुए हैं, केदारनाथ से लेकर भू कानून से लेकर हमारे तमाम विद्यालयों को इन्होंने सुधारीकरण का कार्य किया है। जैसे मैं बता दूं कि हमारे यहाँ पे जितने भी इंटर कॉलेज थी, उन सारे इंटर कॉलेज की जो बिल्डिंगें थी उनको सुधारने का काम किया है। उखीमठ विकासखंड में विकासखंड का जो भवन था वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त था। पूर्व में जो 1960 का बना हुआ भवन था, आज तक उसकी इतनी हालत ख़राब थी कि वहाँ पानी टपक रहा था। हमारे विधायक जी ने उसका संज्ञान लिया और आज बिल्डिंग देखने लायक है कि यहाँ पे कितनी अच्छी हो रखी है। जहाँ तक क्षेत्र में हमारे युवाओं के लिए खेलने के लिए ग्राउंड की जहाँ पे व्यवस्था करनी थी, आज से पूर्व किसी भी विधायक ने इन ग्राउंडों को सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया है। हमारे वर्तमान विधायक जी ने 11 जो ग्राउंड हैं, जैसे अगस्त मुनि का सबसे बड़ा ग्राउंड है उसको, उसका कार्य चल रहा है। चंद्रापुरी का ग्राउंड है उसका कार्य चल रहा है। रांसी है, इधर मनसुना है, इधर उसाड़ा में है, तो तमाम क्षेत्रों में चोपता दसुला कांडई में है, तमाम क्षेत्रों की जो खेल की प्रतिभाओं को उभारने के लिए जो कार्य है उसको करने के लिए हमारे विधायक जी तत्पर कार्य पर लगे। काम आपके विधायक जी ने कहा ऐसा आपका कहना है। सर आपने देखा कि विधायक जी ने बड़े काम किए, ऐसा कांग्रेस का कहना है, लगता है कोई विकास कार्य हुआ 4.5 सालों में? देखिए, केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी कार्य हुए हैं वो
भाजपा की राज्य सरकार ने किए हैं। विधायक जी का जहां तक सवाल है, विधायक जी अपने अब तक के कार्यकाल में अपनी विधायक निधि तक खर्च नहीं कर पाए हैं। और क्योंकि यहां पे हमारी पार्टी का विधायक नहीं था, लेकिन हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ लोग हैं, चाहे जो पूर्व में जिन लोगों ने विधायक का चुनाव लड़ा, पूर्व विधायक जैसे आशा नौटियाल जी रही, श्रीमती शैला रानी रावत जी रही, सब लोगों ने अपने अपने स्तर पर क्षेत्र की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या को राज्य सरकार तक पहुंचाया। और राज्य सरकार के माध्यम से केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में जितने भी कार्य हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, और उसका पूरा जो फायदा हमको आने वाले विधानसभा चुनावों में मिलेगा, भाजपा को लेकर पूरा उत्साह का माहौल जनता के। विधानसभा के चुनाव में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ऐसा आपका कहना है। उत्तराखंड क्रांति दल हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने राज्य बनाया, क्या कमियां रह गई कि आप सरकार बनाने में असमर्थ रहे? देखो, ये तो सरकार बनाने में कुछ हो सकता हम लोगों की, हमारे लोगों की भूल रही होगी, ये राजनीति अपरक्षता हो सकती है। लेकिन जो ये दिल्ली से चलने वाले सरकारों का है, दिल्ली से जो चल रही हैं, ये केवल अपना जो अपना केवल ये मुनीम बदल रहे हैं, ये मुख्यमंत्री पर मुख्यमंत्रियों की फैक्ट्री बना रखी इन्होंने, यहाँ विकास कुछ नहीं किया है। और रहा जहाँ तक आपने अभी मेरे काबिल दोनों दोस्तों ने कहा, अपने अपने विधायक अपने सरकार की जो उपलब्धियाँ बताई, ये तो एक कांग्रेस मैं भाजपा है, भाजपा में एक कांग्रेस है। जैसे आपने अभी कहा कि शैला रानी जी ने किया, उनकी भी उन्होंने तारीफ की, वो कांग्रेस के थे उस समय विधायक। आपने विधायक मनोज रावत की, ये कांग्रेस के थे, बशर्ते शैला जी इस समय आप दावेदार हैं तो भाजपा से हैं। तो और जहां तक विधायकों का काम जनता के हित के लिए है, लेकिन इन्होंने जनता का हित नहीं देखा। इन्होंने अपनी विधायक निधि में खर्च करने में सबसे ज्यादा फीसदी रही है तो यहाँ के विधायक रहे हैं। हमारा देवस्थान बोर्ड जो टेम्पल कमेटी एक्ट था वो बुरा क्या था, ये बताने में असफल रहे हैं। ये केवल टेम्पल जो देवस्थानम बोर्ड किया है इन्होंने, ये बड़े घरानों को फायदा करने के लिए कर रखा है इन्होंने। इसमें न हमारे कांग्रेस के विधायक आवाज उठा रहे हैं, न भाजपा सरकार तो है, वो तो कर ही रही है, वो अपने लोगों का कर रहे हैं, लोगों का विकास कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, पहली बार उत्तराखंड में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सर, कितनी तैयारी है और क्या जो राजनीतिक दल अभी तक कह रहे हैं कि विकास कार्य किया, क्या आपको लगता है इतना विकास कार्य क्षेत्र में हुआ है? निश्चित रूप से 9 नवंबर 2021 को उत्तराखंड बने हुए 21 वर्ष होने वाले हैं। 11 साल भाजपा की सरकार ने राज किया अंतरिम सरकार को लेकर, 10 साल कांग्रेस की सरकार ने राज किया, परंतु शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन में आपने देखा कितने पूरा प्रदेश परेशान है, कितने क्षेत्र के। यहाँ भाजपा ने काम किया, पॉलिटेक्निक बंद करने का काम किया, ITI बंद करने का काम किया, देवस्थानम बोर्ड का गठन करने का काम किया, और तमाम जो सरकारी एजेंसियां उन्हें PPD मोड पर प्राइवेट सेक्टर में डालने का काम किया। और रही बात कांग्रेस के, अभी कांग्रेस के प्रतिनिधि अधिकृत जो प्रतिनिधि आए हैं उनने कहा कि विधायक जी की बात, चलो मानते हैं विधायक जी को सरकार ने काम करने का मौका नहीं दिया, या काम सरकार भाजपा की है या कांग्रेस के है उसका, वो उनको काम का तवज्जो नहीं मिली। परंतु जो इनके हाथ में जो इनकी विधायक निधि थी, इन्होंने विधायक निधि का सिर्फ 39% ही खर्च किया, जो इनके अपने विवेक की निधि है, जिसको जनता को बरसात के टाइम पे या कुछ वर्ष पूर्व सड़क से लेके, पंचायत भवन से लेके, शिक्षा स्वास्थ्य से लेके जिस चीज़ की जरूरत थी उस पर जब पैसा खर्च नहीं हुआ, जब 61% निधि खर्च नहीं हुआ, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण का विषय है। और सरकार के लिए, सरकार को यहाँ पे भाजपा सरकार जो है उन्हें देवस्थानम बोर्ड को लगाकर, आप अभी मैंने कहा शिक्षा स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं का, भाजपा और कांग्रेस सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती है, क्योंकि आपने देखा 11 साल भाजपा की सरकार रही, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। हॉस्पिटल की सरकार कांग्रेस की हो तो भाजपा वाले पीछे लग जाएंगे, व्यवस्था नहीं है। भाजपा की सरकार हो कांग्रेस वाले पीछे लग जाएंगे, यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। भैया, दोनों ने बराबर सरकार करी, सरकार में जिम्मेदारी निभाई, आपने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पर्यटन के लिए क्या किया, ये इनको जवाब देना होगा। बिल्कुल जवाब देना होगा, दोनों ही सरकारें रही। हमारे साथ कार्यक्रम में आशा नौटियाल जी भी जुड़ी हैं भाजपा से। मैम, विकास कार्य कितने हुए, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि इन 4.5 सालों में उन्होंने बेहतर विकास किया इस क्षेत्र का, आपको लगता है विकास हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मुद्दों पे ही काम करती है, और आप देश से लेके प्रदेश तक देख रहे होंगे कि विकास ही विकास हुआ है भाजपा के कार्यकाल में। अभी आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से तमाम जितने भी हमारे दूरस्थ गांव थे
वो सारे गांव आज सड़क से जुड़ गए हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी की और भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज गांव में स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत आशा कार्यकर्ती काम करती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव 2003-04 में जब और भाजपा की सरकार जब थी तब से लेके अभी तक वो योजना चल रही है। और मैं समझती हूँ कि सर्व शिक्षा योजना जो भारतीय जनता पार्टी की देन है, आज तमाम गांवों में, छोटे छोटे गांवों में भी स्कूलों की स्थापना हुई है। हमारे जगह जगह प्राथमिक विद्यालय उस समय खुले हैं, हाई स्कूल हुए, जूनियर हाई स्कूल हुए, इंटर कॉलेज हुए, तो ये सब सर्व शिक्षा योजना की ही तहत हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी केवल विकास के मुद्दों पे काम करती है। आपने देखा होगा अभी जब हमारी सरकार बनी 2017 के बाद तो विकास की गंगा बह गई पूरे प्रदेश में। आप देख रहे होंगे अभी पूरे प्रदेश में जो हमारी हमारी सरकार ने अभी जो अभी अभी तत्काल जो पुष्कर धामी जी ने जो शुरू की है योजना, उन्होंने जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए 15,000 से 25,000 उनको दिए हैं। आशा वर्कर जो है उनको 6 माह तक 2,000 रुपये प्रति माह देने के लिए उन्होंने कहा है, उसके अलावा भी मानदेय देने के लिए उन्होंने कहा है। जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में अन्य लोग भी काम कर रहे हैं उनके लिए भी उन्होंने कई योजना शुरू करी है। आंगनबाड़ी जो वर्कर हैं हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने धनराशि अभी बढ़ाई है, आप लोग देख रहे होंगे। और रोजगार 22,000 रोजगार देने के लिए उन्होंने कहा है कि हम 22,000 बेरोजगारों को रोजगार देंगे। और इन 5 सालों में पूरे राज्य में विकास ही विकास हुआ है, आप देख रहे होंगे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि स्थानीय स्तर पे जो हमारे प्रतिनिधि हैं उन लोगों की कमी के कारण जितना यहाँ इस क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूँगी, जितना इस विधानसभा क्षेत्र में विकास होना चाहिए था, योजनाओं को आगे बढ़ना चाहिए था, वो योजनाएं जहाँ की तहाँ रही हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जितनी योजना हमारे टाइम पे, मैं अपनी भी बात करूँगी कि मेरे टाइम पे जो सड़कें स्वीकृत हुई थी, अभी यहाँ पे अस्पताल की बात हुई, मैंने उस अस्पताल को CSC बनाया था जिसमें बिल्डिंग भी बनी है, लेकिन उससे आगे कोई उस पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होने के कारण आज वो CSC जहाँ की तहाँ पड़ी है। मैं और भी मुद्दे, यहाँ पे हमारा विद्यापीठ है जिसमें हमने BMS वहाँ फार्मेसी शुरू करी थी और उसके बाद हम BMS जो कॉलेज था उसके लिए सैद्धांतिक स्वीकृति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिली थी। इन 10 सालों में उस BMS कॉलेज के लिए एक बार भी कोई सवाल नहीं उठा, और जिसका कि खामियाजा हमारे यहाँ के बेरोजगार लड़के भुगत रहे हैं, जिन्होंने जो मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते थे वो लोग, वो किसान जो जड़ी बूटी उगाकर अपना रोजगार करना चाहते थे, वो किसान आज निराश और हताश हैं कि हम लोग जो जड़ी बूटी उगा रहे हैं उसका कोई मतलब सदुपयोग यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। हमारा क्षेत्र तो जड़ी बूटी का क्षेत्र है और वही उद्देश्य था कि यहाँ पर ये कॉलेज बनेगा तो दवाई भी बनेगी, हमारे बच्चों को रोजगार भी मिलेगा और किसानों को भी उसका फायदा मिलेगा, किसानों को भी उसका फायदा होगा, रोजगार भी मिलेगा। आम जनता हमारे साथ है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सभी राजनीतिक दल यहाँ मौजूद है, आपका किस राजनीतिक दल से कोई सवाल? सर नमस्कार, मेरा तीन दलों से मेरा तिवाड़ी जी से, आम आदमी पार्टी से गतपाल रावत जी, UKD से और भाजपा से, तीनों दलों से मेरा एक एक सवाल है। तिवाड़ी जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपकी मदद से जिला पंचायत की सरकार चल रही है रुद्रप्रयाग में, आप जिला पंचायत की सरकार कब गिराने वाले हैं? गजपाल रावत से मेरा एक सवाल है कि आप दिवाकर भट्ट की तरह कहीं आप भी पाला नहीं बदलेंगे? भाजपा से मेरा एक सवाल है कि आप, जैसे कि पूरे विधायक जी ने अभी कहा है कि मेरे टाइम पे ये स्वीकृत हुआ है, वो स्वीकृत हुआ है, तो आपके समय एक पहली बार जो है नारायण दत्त तिवाड़ी जी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, और जैसा कि आपने कहा कि मैंने स्वीकृत कराया, ऐसे ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे केदारनाथ विधानसभा में सबसे ज्यादा जो है रिकॉर्ड सड़कें स्वीकृत हुई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्थानीय विधायक के कार्यकाल ठीक रहा। चलिए जो आपके सवाल थे लेते हैं। सर आपसे सवाल था कि सर आप जिला पंचायत को कब गिरा रहे हैं? सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ कि
आम आदमी पार्टी ने अभी यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ा, शुरुआत नहीं की और पहला सवाल आम आदमी पार्टी से हुआ, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। रही बात जिला पंचायत की अविश्वास की, तो यहाँ पे तमाम सदस्य जब नाराज होते हैं उसके बाद ही अविश्वास होते हैं, जब कोई वित्तीय अनियमितता होती है तब जाके अविश्वास होते हैं। और आपके भी 6 सदस्य अधिकृत कांग्रेस के हैं, जिला पंचायत मेंबर हैं, अगर वो भी असंतुष्ट हैं तो अविश्वास कर सकते हैं। अगर हमको भी लगेगा कि ये वास्तव में वित्तीय अनियमितता है, वो हम आपका साथ देंगे, जरूरत होगी तो साथ भी देंगे। मैम आपसे, आप लोगों से भी सवाल था उनका कि आप कह रहे हैं कि हमने ये स्वीकृत किया, लेकिन उनका कहना है जनता कह रही है कि काम बहुत हुए, आपको नहीं दिख रहे हैं। देखिए काम बहुत हुए, सरकार की मदद से हुए और हम लोग, ये मेरी फाइल भी ला रखी है, मैं हम लोग कितना प्रयास करते हैं, प्रत्येक दिन यहाँ से जा करके सीएम से मुलाकात करते हैं, सचिवालय में जहाँ से योजनाएं स्वीकृत होती हैं वहाँ बैठे रहते हैं, वहाँ से फाइल निकलवाते हैं और उन फाइलों पर स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री के पास जाते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब कहाँ कहाँ स्वीकृत हुई है, एक भी सड़क बता दें, पुरानी सड़कें जो हैं उनका निर्माण हुआ है, जो हमारे टाइम की स्वीकृत सड़कें थी उनका मैं गिना सकती हूँ एक एक सड़कें, है ना, चाहे ये पलद्वाड़ी वाली सड़क है, हमारी टेमरिया बरमवाड़ी वाली सड़क है, अभी एक सड़क इधर दौला कन्यास वाली सड़क है, उसके अलावा भी बहुत सारी सड़कें हैं, मैं सब सड़कों को गिना सकती हूँ कि ये सब सड़कें अगर आप जियो निकाल के देखेंगे और मेरे पास हैं भी, तो ये सब सड़कें हमारे टाइम की स्वीकृत हैं जिनका निर्माण अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं तो तब हो रहा है, कोशिश करेंगे पूरी करें। सर आपसे सवाल पूछा था कि आप पाला तो नहीं बदलेंगे, मैं थोड़ा सा वर्ल्ड न्यूज वर्ल्ड इंडिया से बोलना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबको बराबर बोलने का मौका दिया जाए और अपनी बात हम पूरी रखेंगे। जहां तक मेरे पंवार भाई, छोटे भाई पंवार जी ने कहा, तो आप पहले तो ये बताएं, जो बाप बेटे अभी बीजेपी से कांग्रेस में गए पाला पल्ला, उनके संबंध में आपकी क्या सोच है? जो 11 चोर जिनको चोर कहा बीजेपी वालों ने, महाचोर बना दिया अपने यहाँ बुला दिया, उनके संबंध में आप क्या? अरे उस दिवाकर भट्ट की बात कर रहे हैं आप, जिसने किसी इस राज्य में राज्य आंदोलन में क्या पुलिस ने जिसके हड्डी हड्डी तोड़ी, उस पर आप उंगली उठा रहे हैं, आपको उंगली उठाने के अधिकार, आपने कितने आंदोलन किए, उन्होंने राज्य दिलाया है और आज राज्य दिलाया, राज्य को बचाने की बात करें आप, इन्होंने बीजेपी कांग्रेस ने सबसे पहले यहाँ के मूल निवास को समाप्त कर दिया और अस्थायी निवास कर दिया। अरे इस बात में नौजवानों से मैं आग्रह करता हूँ, आइए कूदिए और इस अस्थायी निवास को समाप्त कीजिए। और अस्थायी निवास केवल इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स ने बाहर के प्रदेश के लोगों को फायदा देने के लिए किया है और यहाँ के मूल निवास, अरे आप ये देख लीजिए इस मूल निवास पर बोलना क्या है आपको, दर्द है जहां जहां क्षेत्र, मेरे को पूरा बोलने का मौका दीजिए प्लीज, अगर बोलना है मुझे बुलाए, जहां जहां क्षेत्रीय दल है वहां मूल निवास है, जहां जहां क्षेत्रीय दल है वहां 80% आरक्षण है सरकारी गैर सरकारी नौकरी में। आज यहाँ मैं आपको अभी आप अपने इंटरनेट देखिए, छत्तीसगढ़ में 200 असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट निकले हुए हैं, उसमें लिखा हुआ छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए और यहाँ 184 पोस्ट निकाले इस भाजपा, तीन तीन मुख्यमंत्री जो बदलने वाले भाजपा सरकार ने, उसमें 184 पोस्ट निकले, उसमें लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक हो, उत्तराखंड के लिए भारत का नागरिक और अन्य प्रदेशों के लिए जहाँ क्षेत्रीय दल हैं वहाँ मूल निवास। एक 426 पोस्ट निकले हैं क्लर्कल की जुडिशरी में, वहाँ लिखा है भारत का नागरिक होना, जबकि क्लर्कल की पोस्ट जब हम यूपी में थे ये होता था मंडल स्तर का होता था, मूल निवासियों को दिया जाता था और ये इन्होंने भारत का नागरिक पूरे भारत के लिए ओपन कर दिया। मेरा आपसे अनुरोध है और आप जो नवयुवक यहाँ पर बैठे हो, आने वाली पीढ़ी के लिए सोचिए। अभी आपके महाराष्ट्र में जाइए, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी ने जहाँ पर शपथ ग्रहण की वहीं पर मूल निवास लागू करने की बात की और वहीं पर 80% आरक्षण की बात की है। ठीक सर मूल निवास होना चाहिए। मैम का आपका किसी राजनीतिक दल से सवाल? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि भाजपा की सरकार है केंद्र में भी और राज्य में भी, और यहाँ का जो आम आदमी है, युवा परेशान है, उसके लिए रोजगार नहीं है, और यहाँ जो सबसे बड़ा रोजगार का साधन था हमारा, हमारे तीर्थ जो हैं केदारनाथ हैं, वहाँ देवस्थानम लगा दिया, इनका इतना बड़ा कुंभ का मेला हरिद्वार में संपन्न होता है, इनकी रैलियां संपन्न होती हैं, इनके सारे काम होते हैं, इनकी चुनावी रैलियां संपन्न होती हैं, लेकिन यहाँ तक आने के लिए हमारे यात्रा में रोक लग जाती है, जबकि सर्व बीतित है, यहाँ पर कोई रोजगार के संसाधन नहीं है, सारी
सारा रोजगार हमारा जो है केदारनाथ पर डिपेंड है, लेकिन वहाँ देवस्थानम भी लागू हो जाता है और वहाँ पे रोजगार के लिए सब लोगों पे भी नहीं मिलते हैं। मैम आपका कोई सवाल किसी राजनीतिक दल से? हाँ सवाल तो हो गई जी। मैं पहले आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देने चाहती हूँ आप लोगों को जो आज यहाँ डिबेट में आए। आज भाजपा सरकार बहुत बड़े बड़े दावा कर रही है कि काम किया। मैं माननीय विधायक जी से, पूर्व विधायक जी से पूछने चाहती हूँ, आपने तब सड़कें कटवाई जब नानदत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, जब 2007 में आपकी सरकार आई तब तो आपने कोई सड़कें नहीं कटवाई। आप एक मुद्दा खाली मात्र सड़क का है, जो नौजवान भाई ये बेरोजगार है इनके संबंध में किसी की सोच नहीं है। आज पूरा देश में निजीकरण होते जा रहा है, हमारे बेरोजगार नौजवान भाई कहाँ जाएंगे? लोगों ने इतनी पढ़ाई लिखाई करी, वो पढ़ाई लिखाई पे किसी की ऐसी मंशा नहीं, ऐसी सोच नहीं रखी किसी ने कि इन बच्चों को रोजगार दिया जाए। आज उत्तर प्रदेश में जो किसानों के पीछे पूरी भारत की पब्लिक अन्न खा रही है, उनको गाड़ियों के नीचे उनके माननीय मंत्री जी किसानों को कुचलती है, उसमें तो भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कहती है। आज देवस्थान बोर्ड की जहां तक बात है, हमारे यहाँ के लोगों का संसाधन केदारनाथ पे था, केदारनाथ पे कमाए, हमारे बच्चे कमाते थे, खाते थे, भारतीय जनता पार्टी ने उसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। ये सरकार चला रहे अडानी अम्बानी, अडानी अम्बानी के कहने से सरकार नहीं चलेगी। पब्लिक जहां जिसके साथ पब्लिक होगी, पब्लिक जानती है कौन काम करता है। आज आशा कार्यकर्ता की बात है तो कांग्रेस की देन है, आंगनबाड़ी वालों के साथ दिल्ली में सभी जानते क्या कर्म किए भारतीय जनता पार्टी ने, वहां महिलाओं को मारा, महिलाओं को पीटा, वो कांग्रेस की देन थी। आज हमारे कोदा जंगोरा का मूल्य कांग्रेस ने समझा, कांग्रेस ने कोदा का मूल्य समझा, कांग्रेस ने कोदा का उपयोग किया, कांग्रेस ने बेहतर काम किया। आपका कहना सर, आपको कोई राजनीतिक दल से सवाल? मेरा धन्यवाद आपके लिए। मेरा इन कांग्रेस के लोगों से कहना है कि आपका नेतृत्व सही नहीं है, इसलिए जो है सारे मिसगाइडिंग चल रहा है। दूसरे मैं भारतीय ये जो आपके विधायक सर, विधायक कांग्रेस से हैं, कोई सवाल उनसे उनके कार्यकालों को लेके? उनका कार्यकाल न तो हमने हम ये जानते हैं कि विधायक जी जो हमारे यहाँ पे हैं इसमें मनोज रावत जी, उनका कहीं नाम नहीं है, वो बहुत कम रहते हैं क्षेत्र में और उनको जो होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया उनके द्वारा। जो काम आपको चाहिए थे वो पूरे नहीं कर पाए। आपका सर किसी राजनीतिक दल से सवाल? पहले तो सर्वप्रथम आप लोगों का सभी का धन्यवाद। मैं यहाँ पे अभी देखो, मुझे भी पूरा मौका देंगे आप सर, सभी को पूरा मौका देंगे जी, धन्यवाद आपका। तो अभी बगल पे हमारे सेमाल जी बैठे हैं, मेरे को लगता है कि बीजेपी से संबंधित हैं। ये कह रहे हैं कि क्षेत्र में विधायक जी नहीं है। आपके गांव में मेरे ख्याल से मैं भी 3 बार विधायक जी के साथ वहां पे गया हूं, और आप कह रहे हैं मुझे नहीं, वो हो सकता है आप पार्टी पॉलिटिक्स से संबंधित वो कर रहे हो कि मैं बीजेपी से हूं तो मुझे विधायक जी की बुराई करनी है, तो मैं ऐसा बोल दूं कि विधायक जी क्षेत्र में नहीं है। अरे हमें पूछो ना क्षेत्र में है कि नहीं है। दूसरी बात, काम करने की है विधायक जी का, विधायक जी के बराबर काम मैं दावे के साथ आज भी कह सकता हूं। जो लोग कहते हैं काम नहीं हुए वो गांव में जाए ना, आप पेपर को पढ़ करके क्यों बोलते हैं 39% है, 79% का 39% किया गया है, 79% को गलत छाप करके और 39% किया गया है। आपको लगता है कोई विधायक 5 साल में 39% काम कर सकता है? मनोज रावत जैसी शख्सियत और अच्छा पढ़ा लिखा इंसान पूरे क्षेत्र में काम कर रहा है, फील्डों का 11-11 फील्डों का एक साथ निर्माण हो रहा है, आज तक बीजेपी ने क्या किया? मैं कहता हूं आज भी प्रत्येक पार्टी का आदमी, चाहे आम आदमी पार्टी हो, यूकेडी हो, चाहे आपकी बीजेपी हो, वो गांव में सर्वे करे इस चीज का, विधायक जी ने काम किया या विधायक जी खर्च की नहीं की, उसको सर्वे करे, गांव में जाकर के सर्वे करे। अरे जमीन को तो कोई नहीं खाता है ना, धरातल को किसी ने नहीं खाया, काम देखे ना कितना काम किसने गांव में। अगर 3 गुना काम नहीं हुआ होगा पूर्व विधायकों से अगर वर्तमान विधायक मनोज रावत जी के द्वारा अपनी विधायक निधि के 3 गुना काम नहीं हुआ होगा, मैं यहीं पे पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हूं। ठीक है सर, आपका कोई सवाल? बिल्कुल सर, पहले जैसे हमारी आदरणीय पूर्व विधायिका जी ने कहा कि प्रदेश में विकास की गंगा बहा दी गई है, महोदय ऐसी गंगा बहाई है कि 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, और मैडम ने कहा कि हमने इतनी सड़कें कटवाई। ठीक है मैडम, आप जब विधायक थी आपने काम किया, आप तब का भी श्रेय ले रहे हैं खुद जब विधायक थे ना, और अब विधायक कोई और है तो कुछ काम ही नहीं करता, इसका मतलब ये है। तो मतलब इनकी दोहरी मानसिकता, दोहरे मापदंड देखिए, ये जनता को किस तरह से गुमराह कर रहे हैं। आपका सवाल? आपका एक मैं बतौर तीर्थ पुरोहित भाजपा के पैनलिस्ट से और पूर्व विधायक जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ।
पहले तो मैं केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति में क्या खामियां रह गई थी कि आपको जबरन बिना तीर्थ पर्यटकों के विश्वास में लिए देवस्थानम बोर्ड को जबरन थोपना पड़ा है ना। तो आपका देवस्थानम बोर्ड को लेकर सवाल है सर, देवस्थानम बोर्ड को लेकर बड़ा सवाल लगातार जितने भी लोगों से पूछा उन्होंने पूछा, इस पर क्या स्टैंड है आपका? मैं बारी बारी से सभी सवालों का जवाब दूंगा। पहले तो जो इन्होंने कहा कि तीन मुख्यमंत्री बदले, हमारे यहाँ जैसे कि हमारी पार्टी जो है कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, नेता आधारित पार्टी नहीं है। कब किस कार्यकर्ता को कौन सी जिम्मेदारी देनी है? एक दिन में मुख्यमंत्री नहीं हो गए, कैबिनेट मंत्री नहीं हो गए, सरकार ने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन विपक्षी अपने गिरावान में झांके कि एक एक महीने तक देहरादून से दिल्ली तक दौड़ होती रही, दौड़ होती रही, दौड़ होती रही। देखे भाई साहब जवाब दे रहे हैं, जवाब सुन लो, जवाब सुन लो, जवाब सुन लो, जवाब सुन ले आप, जवाब जवाब सुन ले, जवाब दे, जवाब दे, जवाब। हाँ, एक महीने तक दिल्ली से देहरादून तक दौड़ होती रही, पूरा फुटेबल होता रहा और पांच पांच प्रदेश अध्यक्ष बनाने पड़े। इसके अलावा देवस्थानम बोर्ड पर भी हमारे मुख्यमंत्री ने हाई पावर कमेटी बना दी है और कमेटी की जो भी आपत्तियों का वहां निस्तारण होगा और कमेटी की सिफारिशों के बाद देवस्थानम बोर्ड पर भी कुछ न कुछ सरकार सही निर्णय तीर्थ पुरोहितों के हक में लेगी। एक लास्ट जवाब दे रहा हूँ, एक लास्ट ये है, राजनीति में सबसे बड़ा जो इम्तिहान होता है, इम्तिहान होता है चुनाव। 2017 के बाद जितने उपचुनाव हुए, पिथौरागढ़ का चुनाव हुआ, इसके अलावा धराली उप विधानसभा का चुनाव हुआ, सल्ट का उपचुनाव हुआ, सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है। इसके अतिरिक्त लोकसभा के चुनाव में पांचों के पांचों सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीत के आए हैं। इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश में 89 ब्लॉक प्रमुखों में से 54 ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के जीत के आए हैं। इसके अतिरिक्त पंचायतों में हरिद्वार को छोड़कर 12 जिला पंचायत अध्यक्षों में से 9 जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के चुन के आए हैं। आप बताइए, जनता भारतीय जनता पार्टी से खुश है? जितने चुनाव हुए उतने चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है। और आज हमारा जो नारा है, अब की बार 60 पार पूरे, अब की बार 60 पार 60 विधायकों की प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली बनाएंगे। सर, देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे पर कहीं ना कहीं तीर्थ पुरोहित सवाल उठा रहे हैं, आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का कर्नल कोटियाल जी ने केजरीवाल ने आपके डिबेट दिया वाइट में भी कहा कि सरकार आने पर से, सरकार आने पर पहली कलम से देवस्थानम बोर्ड रद्द किया जाएगा। ये हमारा खुला स्टैंड है और गारंटी कार्ड, घोषणा कार्ड नहीं भाजपा कांग्रेस के, तो गारंटी कार्ड है, गारंटी कार्ड है कि ये देवस्थानम बोर्ड रद्द किया जाएगा। क्योंकि हम घोषणा, फर्जी घोषणा नहीं, गारंटी कार्ड देते हैं, चाहे शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, रोजगार की हो, पर्यटन की हो, गारंटी कार्ड के माध्यम से जन जन तक पहुंचने का काम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। जगह जगह गांव गांव में रोजगार गारंटी का कार्ड भी अभी हमारा जो कैंपेनिंग चल रहा है उसमें जोर शोर लगे हुए हैं और लोगों में एक उत्साह भी है नई पार्टी को देखने का, कुछ करेंगे। क्योंकि दिल्ली का जो मॉडल है, दिल्ली में जो विकास कार्य किए हैं उसको लोग यहाँ पे भी देखना चाहती है। दिल्ली का जो विकास कार्य है वो उत्तराखंड में भी देखना चाहेंगे। सर, आपका किसी से सवाल? नहीं, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में अच्छे ढंग से काम कर रही है, चाहे युवाओं के है, चाहे क्षेत्र के विकास में है। आज ये ऑल वेदर सड़क बन रही है, इससे लोगों के लॉज वगैरह लोग बनाना शुरू कर दिए हैं, पर्यटन विकास हो रहा है, रेलवे का काम शुरू हो रहा है। यहाँ इस उत्तराखंड के लिए इससे बड़ी उपलब्धि क्या है? और अभी भाजपा सरकार बेहतर काम कर रही है, बहुत बेहतर काम कर रही है, केंद्र में सरकार अच्छी काम कर रही है। आपका सर किसी राजनीतिक दल से सवाल? नहीं, मेरे यहाँ पे जो है कांग्रेस वालों से सवाल है कि यहाँ पे जो है कांग्रेस के विधायक होने के बावजूद भी जो है कोई काम नहीं हुआ, और हमारे विधायक नहीं होने के बावजूद भी हमारे जो सीनियर कार्यकर्ता लोग हैं वो यहाँ पे सत्ता में नहीं होने, विधायक नहीं होने के बावजूद भी पूरे जनता के जो है सभी काम आगे लेके जो है वो काम करते हैं। यहाँ पे विधायक जी ने जो है एक छोटा सा 50 से 60 मीटर का रोड का जो है एक टुकड़ा जो है रोड से लेकर हॉस्पिटल तक देने की बात की थी, और वो अभी 5 साल पूरे हो गए लेकिन अभी तक वो रोड का 50 मीटर का टुकड़ा जो है पूरा नहीं हो पाया। सर, ये सवाल है सड़क को लेकर, सवाल पूछ रहे हैं कि 50 मीटर का जो सड़क था वो निर्माण नहीं किया विधायक साहब ने। वो जो है किसी भी चीज का मेजरमेंट होता है, वो
उसकी जो मेजरमेंट हुआ है, उसकी जो एमबी बनी है, वो उतने की थी जितना उसमें काम होना था। उसके अलावा हॉस्पिटल में हमारे विधायक जी ने वर्तमान में सड़क की बात करें, सड़क कब तक बनेगी? सड़क तो बनी हुई है, वो खाली बोल रहे हैं सड़क बन गई है। सड़क तक जो 550 मीटर जो बात कर रहे हैं वो सड़क बनी हुई है। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि नहीं बनी है? बनी हुई है, वो उतना ही पैसा था, जितना पैसा लगेगा उसकी एमबी उतने की बनेगी, तो उतना ही काम होगा। ठीक है सर, और भी कई लोग हैं आपसे सवाल लेते हैं। सर आपका कोई सवाल? नमस्कार, मैं नगर पंचायत अध्यक्ष और भाजपा से हूँ। मैं सबसे पहले कांग्रेस पार्टी से सवाल करना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस के जो अभी विधायक हैं वो सभी नागरिक के विधायक हैं केदारनाथ विधानसभा में, लेकिन क्या है कि ऐसा लगता है कि वो सिर्फ कांग्रेस के कुछ ही लोगों तक सीमित रह गए। पहला प्रश्न ये है कि क्या वो सिर्फ कांग्रेस के कुछ लोगों के विधायक हैं? दूसरी बात कि उन्होंने कि क्या मतलब कांग्रेस की ऐसी परिपाटी है कि वो सिर्फ और सिर्फ 4.5 सालों में कहीं नहीं दिखाई देते, सिर्फ 5 महीने के विधायक रहते हैं वो, कि 5 महीने में जनता के बीच जाओ और जो है कि जनता के विधायक बन जाओ। तीसरा प्रश्न ये है मेरा कांग्रेस से विधायक जी से कि क्या मतलब विधायक जी ने कोई ऐसी बड़ी महत्वपूर्ण विधानसभा में कोई ऐसा कार्य किया है? अगर किया है तो वो बताएं। और कोई महत्वपूर्ण काम किया है तो बताएं, ये सवाल है। और एक जो है कि अगर जैसे सारे PMGSY की मतलब सड़कें कट रहे हैं, विधायक निधि से जो उन्होंने स्वयं अपनी कुछ अगर महत्वपूर्ण सड़कें मतलब अभी मतलब कटवाए हैं या उनकी निधि से जो यहाँ पे संचालित हो रही है, तो वो भी बताइए। और कोई सड़कें? हाँ, और मेरा जो है कि माननीय तिवाड़ी जी और एडवोकेट साहब से एक प्रश्न है कि जो आपके पहले मात्र संगठन था कांग्रेस, क्या कांग्रेस में जो है कि कार्यकर्ताओं को कोई सम्मान नहीं होता कि वो दूसरे इतनी महत्वाकांक्षी वो दूसरे मतलब जो कि पार्टियों का मतलब जो कि शरण में चले जाते हैं, दामन था दूसरी पार्टी का। सर पहला सवाल आपसे है कि सड़कें कोई बताए जो विधायक निधि से कटी हों। ऐसा है, वर्तमान में हमारे जो विधायक जी हैं मनोज रावत, उनकी कार्यशैली से आज हमने सारे मिसिंग लिंक हमारे विधानसभा केदारनाथ विधानसभा के जितने मिसिंग लिंक हैं सारे पूर्ण हो चुके हैं। और मिसिंग लिंक के तहत हमारे माननीय विधायक जी ने भारत सरकार से 145 पुल यहां से स्वीकृत करवाए, जिसमें मात्र केदारनाथ विधानसभा के 9 पुल स्वीकृत हुए हैं। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? और उससे जो है हमारे तमाम मिसिंग लिंक जो है उसमें पूरे हो गए हैं। जहाँ तक रही बात हमारे विधायक जी ने यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल है, जो यहाँ पे मंदिर है, मंदिर में हमारे विधायक जी ने पानी की व्यवस्था नहीं थी। मैं वर्तमान यहाँ पे पूर्व विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि वो ये बताएं कि आज तक वो यहाँ पे 10 साल विधायक रही हैं, वो बताएं कि उन्होंने मंदिर में पानी की कोई व्यवस्था की? हमारे विधायक जी की सोच के अनुसार इन्होंने मंदिर में हैंडपंप के माध्यम से और वो मंदिर में पानी पहुँचाया। अगस्त मुनि में जो है उन्होंने उसी कम लागत में अगस्त मुनि में पानी पहुंचाया हैंडपंप पे मोटर लगा के, वही जवाहरनगर में। ऐसी चीजें करके विधायक जी ने क्षेत्र में कम पैसों में अच्छा काम किया है। जहां तक रही बात ये लोग बोलते हैं कि पैसा खर्च नहीं किया है, मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, कि हमारे विधायक जी स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्होंने 500 MA की एक्सरे मशीन, 300 MA की एक्सरे मशीन उखीमठ अगस्त मुनि के लिए, और 5 पैरामीटर ऐसी चीजें तमाम सीडों को जो है भेज रखी हैं। लेकिन ये अधिकारी, इन अधिकारियों पे इनका अंकुश नहीं है इस सरकार का, ये अधिकारी जो है अच्छा सामान लाने के लिए तैयार नहीं है, ताकि हमारा वहाँ पे जो है वो पैसा अटका हुआ है। अधिकारियों पे आप आरोप लगा रहे हैं, विधायक तो आपके जन आप ही के हैं, उन्होंने शिकायत की इसकी? हाँ, जब विधायक जी ने जब शिकायत की तो हमारे महिला मंगल दल और युवक मंगल दल के रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे थे प्रदेश में। विधायक जी ने ये मुद्दा जो है विधानसभा के अंदर उठाया। विधानसभा के अंदर सवाल उठाया। सर आपसे भी पूछा गया कि कांग्रेस में आप लोगों को अच्छा नहीं लगा जो पार्टियां बदल रहे हैं? देखिए, ये सभी जानते हैं कि कांग्रेस सबसे पहले जो पार्टी थी कांग्रेस थी, धीरे धीरे भाजपा अन्य दलों का निर्माण हुआ और अभी कई पार्टियां भी होना बाकी है। जब व्यक्ति, क्योंकि कांग्रेस कोई नई पार्टी जब बनती है, कांग्रेस का व्यक्ति या भाजपा के व्यक्ति, जो लोग हैं पहले जो पुरानी पार्टी से संबंधित है, वही व्यक्ति जो वही जो राजनीतिक लोग हैं वही लोग दूसरी पार्टी में जाएंगे। जब नई पार्टी, कोई बाहर से तो कोई लोग आएंगे नहीं, निश्चित रूप से स्वाभाविक है भाजपा से जाएंगे, कांग्रेस से जाएंगे, अन्य जो जिनकी राजनीतिक इच्छा हो, महत्वाकांक्षा है, वो लोग जाएंगे, कार्यकर्ता जाएंगे। तो वो नहीं कोई कहां से गया, कोई क्या गया। हमने आम आदमी पार्टी में दिल्ली में काम देखा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार के प्रति काम देखा, उसको लेकर युवाओं की भावना को समझने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है। उस भावना को देखते हुए
जो हमारे इस घाटी के लोग जो बेरोजगारी से तड़प रहे हैं उनकी भावनाओं को देखते हुए क्षेत्र में पर्यटन शिक्षा स्वास्थ्य को देखते हुए आम आदमी पार्टी में गया और पूरा विश्वास है मुझे नहीं पूरी जनता को भी आम आदमी विश्वास है क्योंकि दिल्ली में किया है यहां भी करेंगे निश्चित रूप से एक युवाओं में बहुत उत्साह और युवाओं में जुड़ने का एक अवसर है। ठीक है सर, उत्तराखंड क्रांति दल है सर, आपसे सवाल पूछा था एक कि क्या जरूरत है कि आप पार्टियां बदलते हैं। मेरी राजनीति तो उत्तराखंड क्रांति दल से शुरू हुई, राज्य के लिए मैं जेल गया हूं। जहां तक आपका कहना है कि क्या जरूरत थी, उनको मैं पूछना चाहता हूं कि जो 11 उन्होंने पहले अगले 17 में के बाद लिए सरकार तोड़वाई वो क्या जरूरत थी आपकी, यहाँ क्या कोई नेता नहीं था, अभी दो बाप बेटे मंत्रियों को आपने ले लिया, क्या जरूरत थी आपको कांग्रेस वालों को उनको लेने की, आपने पुरवाला वाले को अभी ले लिया, क्या जरूरत थी आपको लेने की। देखो ये तो अपना मत है और जहां तक मेरा अपना मत है, मैं मेरी राजनीति यूकेडी से शुरू हुई, मैं जेल गया राज्य आंदोलन में। मुझे दुख तब हुआ जब मैंने गैरसैंण का भव्य भवन देखे, भव्य राजधानी देखी, इन्होंने जनता का पैसा वहां लगाया लेकिन राजधानी नहीं लाए, इस दुख से मैं अलग हुआ। मैंने जब देखा, मैंने भाई हरीश रावत जी से कहा कि मैंने कहा भाई साहब प्रत्येक राज्य में मूल निवास है, आप अस्थायी निवास जो बीजेपी कांग्रेस ने मिलकर अस्थायी निवास धोखा कर दिया है यहाँ के, इसको क्यों नहीं। उन्होंने कहा भाई ये तो हमको दिल्ली से पूछना पड़ेगा, बीजेपी कांग्रेस ये दिल्ली से चलने वाली पार्टियों का यहाँ भला नहीं कर सकती है, यहाँ का भला करेगी, यहाँ का क्षेत्रीय दल अपना क्षेत्रीय दल करेगा, जैसे अन्य सूबों में अपना क्षेत्रीय दल है वैसे उत्तराखंड क्रांति दल यहाँ के काम करेगा। सर आप लोगों में से किसी का सवाल, आपका सवाल। देखिए देवस्थानम बोर्ड पे हमारे भाजपा के पैनलिस्ट ने और पूर्व विधायक जी ने हमें कोई सटीक जवाब नहीं दिया है। हम पूछना चाहते हैं, हम सोशल मीडिया से देखते हैं, हमारे पूर्व विधायक जी कहती हैं कि तीन तीन मुख्यमंत्रियों के पास जाके इन्होंने कहा कि हमने देवस्थानम बोर्ड के विषय में चर्चा की, इन्होंने क्या चर्चा की पहले तो ये हमें बताइए। और सबसे सोचने विषय तो यह है जैसे मैंने कहा कि सरकार के 57 विधायकों में से 40 विधायक पहाड़ से, उनमें से दो मुख्यमंत्री भी रहे और एक अभी एक्सीडेंटल सांसद भी हैं, तो एक भी विधायक मंत्री की यह कहने की हिम्मत नहीं हुई कि यह फैसला पहाड़ के पक्ष में नहीं, यह चारधाम के पक्ष में नहीं है। मुझे इसका जवाब चाहिए माननीय पूर्व विधायक जी से और हमारे भाजपा के पैनलिस्ट राणा जी से। आपका कोई सवाल? सर आदरणीय अधिवक्ता राणा जी ने कहा, पहले तो कहा कि विकास की गंगा साहब इतनी बह गई बीजेपी को दो दो प्रवक्ता रखने पड़ रहे हैं। आपने कहा कि इनकी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हर कार्यकर्ता को मौका मिलता है मुख्यमंत्री बनने का, तो साहब ये हमारा उत्तराखंड है, ये आपकी भाजपा की कोई प्रयोगशाला नहीं है कि जो आप इसमें 5 सालों में 2 मुख्यमंत्री 4 मुख्यमंत्री बना दीजिए। और आपके पूर्व मुख्यमंत्रियों की कितनी घोषणाएं धरातल पर उतरी है, आपके माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी केदारनाथ में हरीश रावत जी के कामों का शिलान्यास करते हैं, आपके यहाँ के सांसद लाडा बाबा एक गेस्ट हाउस है, निजी गेस्ट हाउस है, वहां पर हमारी रोडों का शिलान्यास एक निजी होटल में होता है और वहां से चले जाते हैं। तो साहब बताइए इतनी विकास की गंगा बह गई है कि बीजेपी को दो दो प्रवक्ता रखने पड़ रहे हैं। चलिए सर कहीं ना कहीं सवाल, आपका कोई सवाल? सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि पैनलिस्ट जो बीजेपी के हैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको कहीं महंगाई दिख रही है कहीं, मतलब आपको आपका जो पेट्रोल है वो 110 के पार जाने वाला है और डीजल 100 पार करने वाला है, किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे? आप तैयार रहिएगा, लोगों ने सब व्यवस्थाएं कर रखी हैं आपके लिए कि आप लोगों को क्या दे रहे हैं। आप महंगाई को लेकर भी सवाल उठाए, महंगाई पर जवाब मांग रही है जनता। पहले तो हमारे भाई ने अभी सवाल उठाए कि विधायक जी ने ऐसे मतलब मुख्यमंत्री को कितनी बार मिले हैं और क्या इन्होंने किया है, उन पे मैं भूलना चाहूँगी। और एक कुछ बीच से ये भी आवाज़ आई कि तिवाड़ी जी के टाइम पे काम किए हैं, तो हम तो चाहते हैं ना कि अभी भी काम हो, अभी हमारी सरकार है और विधायक जी जाके संघर्ष करे और विकास के मुद्दों पे बात करे, विकास लाए ना, हम तो ये चाहते हैं। हम लोग देखे भाई साहब, मैं एक निवेदन आपसे करना चाहती हूँ कि आप जो जवाब सुनने की भी क्षमता रखिए, आप जवाब सुनने की भी क्षमता रखिए, मैं निवेदन करती हूँ। देखिए सरकार किसी की भी हो, सरकार किसी, मैं तिवाड़ी जी के कार्यकाल में मैं यहाँ की विधायक रही हूँ, हमने संघर्ष किया, मैंने तल्ला नागपुर पेयजल योजना के लिए संघर्ष करती रही, उस टाइम नहीं हुआ है ना। हमारी जब सरकार आई 33 करोड़ की तल्ला नागपुर पेयजल योजना हुई जिसका लाभ आप 90 बस्तियां उठा रही है ना।
हमने अगस्त मुनि में कई स्कूलों का उच्चीकरण कराया, हमने कई स्कूलों के बिल्डिंग बनाए। मैं एक एक करके गिनती करूंगी तो बहुत समय लगेगा। मैंने जूनियर से हाई स्कूल बनाए, मैंने इंटर, हम लोगों ने इंटर बनाए, और हम लोगों ने, हमारी सरकार ने अगस्त मुनि में बीएड संचालित किया, पीजी में साइंस विषय संचालित किए, आउटडोर स्टेडियम शुरू किया, अगस्त मुनि में इंटर कॉलेज की बिल्डिंग बनवाई, अगस्त मुनि में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की और अस्पतालों की स्थापना की। जहां तक देवस्थानम बोर्ड की बात है, देवस्थानम बोर्ड और श्राइन बोर्ड कांग्रेस के ही कार्यकाल में उसकी पूरी तैयारी हो गई थी। जो श्राइन बोर्ड की उस समय तैयारी हो रही थी कि हम केदारनाथ के लिए अमरनाथ की तरह श्राइन बोर्ड बनाएंगे, लेकिन उस समय मैं यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रही थी, मैंने उस श्राइन बोर्ड का विरोध किया कि बिना जनता के पास, बिना जनता की बातों को आए हुए इस श्राइन बोर्ड की स्थापना नहीं हो सकती है। और इन्होंने तो कर दी थी तैयारी, जड़ तो ये है, इन्होंने तो बीज बोया है कि हम श्राइन बोर्ड बनाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस पर बहुत संशोधन किए हैं और लोगों के रोजगार को देखते हुए, लोगों के हक हकूकों को देखते हुए उस देवस्थानम बोर्ड की स्थापना हुई है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मेरे पिताजी खुद मंदिर समिति में उन्होंने नौकरी की है बहुत पहले समय में, उस समय तनख्वाह भी बहुत ऐसी होती थी, बहुत कम, और कोई सरकारीकरण नहीं था। तो हम लोग उस समय से मंदिर समिति से जुड़े हुए हैं। मंदिर समिति बहुत बाद में हुई, मैं समझती हूँ कि हमारे जब ध्यानी जी है उससे पहले उन लोगों ने, मंदिर के कर्मचारियों ने संघर्ष किया कि यहाँ के लोगों को पेंशन मिलनी चाहिए, यहाँ के लोग रिटायरमेंट होते हैं तो एक पोटली लेकर घर जाते हैं, मुझे पता है, मेरे पिताजी वहाँ रहे हैं। उसके बाद वहाँ मंदिर समिति की स्थापना हुई, और मंदिर समिति की स्थापना ऐसे हुई कि अंडरटेकिंग गवर्नमेंट, उनका सवाल है कि देवस्थानम, वो कह रहे हैं कि देवस्थानम बोर्ड, नहीं बता रही हूँ, जब मंदिर समिति हुई तो कर्मचारियों का और स्थानीय लोगों का बहुत हित उसमें हुआ, स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलते रहे, सरकार मतलब अर्ध सरकारी हो गए, यहाँ के लोग जो यहाँ ऊखीमठ, बद्रीनाथ, जोशीमठ, हमारे तमाम लोग थे, स्थानीय जिलों के लोग थे, उनको बहुत रोजगार मिला। और अभी भी जो वहाँ के लोगों के हक हकूक हैं, जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में कोई चेंजिंग नहीं है, केवल एक इस प्रकार की व्यवस्था बनाने के लिए कि ये सुव्यवस्थित तरीके से चले और यहाँ पर यात्रियों की अच्छी व्यवस्था हो, अच्छे ढंग से लोग यहाँ पर रह सकें, और यहाँ से जो यात्री जाता है वो यहाँ की व्यवस्थाओं की चर्चा तमाम देश में करे और अधिक से अधिक संख्या में यात्री यहाँ पर आए और यहाँ का अच्छा संदेश जाए। मैं समझती हूँ कि समय के अनुसार चीजें चेंज होती रहती हैं, और हम लोग पूरी तरह से, यहाँ की जो जनता है, हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, मैं कई बार सीएम साहब से मिली हूँ, मैंने भी कहा है कि भाई उन लोगों से चर्चा हो, उसके बारे में चर्चा हुई, अभी के मुख्यमंत्री से भी मिली हूँ, उन्होंने ये कहा है कि उनका कोई अहित नहीं होगा, उनके हम हितों के साथ हैं। और मैं समझती हूँ कि उसमें जो भी देवस्थानम एक्ट बना है उसमें कोई इस प्रकार की बात नहीं है कि हमारे तीर्थ पुरोहित भाइयों का अहित हो, रोजगार मिलेगा, जिस तरह से पहले से था उसी तरह से ये रहेगा, और मैं ये समझती हूँ। ठीक है, हाँ बोलना एक मिनट, आप माइक, देवस्थान बोर्ड पहले टेम्पल कमेटी एक्ट में ये था, जिला पंचायत के मेंबर होते थे, लोकल मेंबर होते थे और लोकल हित में काम किया जाता था। आज केवल अडानी अंबानी के जो दो सदस्य आ गए हैं, ये बड़े घरानों के लिए देवस्थान बोर्ड बना है, और ये दिल्ली से चलने वाली सरकार है, ये हमारा हमेशा लूटते रहेंगे। मात्र बड़े घरानों के लिए देवस्थान बोर्ड बना है, ये गरीबों के लिए नहीं बना है, क्षेत्र की जनता के लिए नहीं बना, हित के लिए नहीं बना है, ये तीर्थ पुरोहितों के हित के लिए नहीं बना, ये औद्योगिक घरानों के परिवारों के मेंबरों के हित के लिए बना है, बस सर। तीर्थ पुरोहित नहीं चाह रहे, ऐसा लोगों का कहना, उस पर क्या है आपका? देखिए, देवस्थानम बोर्ड पर हमारे युवा मुख्यमंत्री ने तीर्थ पुरोहितों से कई बार चर्चा की है,
और उसके जो मनोहर कांत ध्यानी जी जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं उनकी अध्यक्षता में एक हायर पावर कमेटी का जो गठन हुआ है वो कमेटी आपत्तियों को सुन रही है, आपत्तियों का निस्तारण होगा और उसके बाद तीर्थ पुरोहितों के हक में जो भी होगा। वैसे मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि अभी जो देवस्थानम बोर्ड अभी जो बना हुआ है उसमें कहीं हम लोग भी, मैं भी हक हकूफधारी हूं, कहीं उसमें ये नहीं है कि कहीं तीर्थ पुरोहितों का हक हकूफधारियों का कहीं कोई अहित हो रहा है, लेकिन अगर ऐसी कोई बात आएगी तो उसके लिए कमेटी अपने जो भी सुझाव सरकार को देगी, सरकार उसमें उस आधार पर आगे कार्रवाई करेगी, उस पर कार्रवाई। सर इनका कहना है कि कमेटी बनाई गई है, कमेटी तीर्थ पुरोहितों को विश्वास में लेकर काम किया गया। मैं ऐसे तमाम लोगों को अपने तीर्थ पुरोहितों को बता सकता हूं, कपाट बंद होने के बावजूद भी वो लोग घर में थे, इनकी सरकार ने वहां पे इनके जो जो निजी हाथों में जो काम दे रखा था लोगों के मकानों पे फीते लग गए, लोग कपाट खोलने के बाद वहां लोगों ने देखा कि मेरे यहां तो अतिक्रमण कर लिया सरकार ने। फिर इन्होंने क्या किया कि हमारी जनता लड़ने आई, प्रशासन ने कहा कि आप एग्रीमेंट दिखाइए गवर्नमेंट के साथ, अब चोरी छुपे काम करेगा तो एग्रीमेंट कहां से बनेगा। मेरा सवाल सिर्फ यह, देवस्थानम बोर्ड चारधाम के पक्ष में है या नहीं है, आप ये बात बताइए। देवस्थानम बोर्ड चार धाम के पक्ष में है या नहीं, ये जनता पूछ रही है। देखिए इस संबंध में देवस्थानम बोर्ड के संबंध में मैंने जैसे पहले कहा हायर पावर कमेटी बन चुकी है और वो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं मनोहर कांत ध्यानी जी वो अध्यक्ष हैं। और नहीं देखिए उसमें जो उससे संबंधित लोग हैं उनसे आपत्तियां ली जा रही हैं, आपत्तियों का निस्तारण होगा और जो जो तीर्थ पुरोहितों के हक हकूफधारियों के पक्ष में होगा सरकार उस पर आगे बढ़ेगी, आगे सरकार उन पर बढ़ेगी। सर आपका कोई सवाल किसी राजनेता से? मैं अच्छा भाई साहब, हम आप भाई साहब आप बोलिए आप। देखो हमने किसी के बीच में नहीं बोला है, सवाल सुन ले सभी राजनीतिक दल सर, सवाल सुन ले, एक सवाल जब पूछ रहे हैं सवाल सुन ले जरा। हमने किसी के बीच में बोला नहीं है। मैं अभी यहाँ पे एक मुद्दा आया था महंगाई का, मैं उस पर थोड़ा सा संतोषजनक जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को लगे कि ये ठीक बोल रहे हैं तो समर्थन करना, लगे गलत बोल रहे हैं तो विरोध कर देना, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। जहां तक महंगाई का सवाल है, आज से 7-8 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी पेट्रोल के दाम आपको याद होंगे कि उस समय कितने थे और आज कितने थे, महंगाई दर क्या है पहला। दूसरा जहां तक सुनो, हाँ मैं सड़क पे भी जवाब देंगे सड़क। और कोरोना के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश में गरीबों को मुफ्त राशन बांटी है, जो कि प्रत्यक्ष सत्य है, बांटा कि नहीं बांटा। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा काम किया है देश में जो कांग्रेस 100 साल तक भी नहीं कर सकती थी। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटा करके देश का एक बहुत बड़ा कांटा दूर किया। जहां तक सिर्फ झूठ बोलते हैं मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ। रुको जी, भैया ये कहना है कि आप कहना है विकास की बात कर रहे हैं ना, आप नरेगा पे ले लीजिए, सुनो बोलो नरेगा पे बात दीजिए, रोजगार गारंटी के वो हालत इन्होंने बना दिए हैं, जबकि मजदूर का पैसा तो हम देंगे और जो सीमेंट सरिया का पैसा है 60-40 का हिसाब है, 60 जो है प्रदेश सरकार देगी, 40 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, सेंटर में भी बीजेपी प्रदेश में भी बीजेपी, दो दो तीन तीन साल तक ये पैसा नहीं आता, कहाँ जाता ये पैसा? सर आपका सवाल है कि पैसा कहाँ जाता है। एक और चीज है सर, एक सवाल उठाया था कि बीएमएस कॉलेज बनाने की मांग थी, अभी तक नहीं बना है, कहाँ कमी रह गई? देखिए हमारे विधायक जी ने बीएमएस के लिए कई बार प्रयास किया लेकिन ये सरकार चाहती नहीं है। कारण क्या है? आज तक मैं ये पूर्व विधायक जी से ये पूछना चाहता हूँ कि ये बताएं कि जब इनकी सरकार है, सरकार वर्तमान में, तो इन्होंने कितने हाई स्कूल का उच्चीकरण किया है, कितने इंटर कॉलेज बनाए हैं, इन्होंने कितने नए हॉस्पिटल बनाए हैं। त्रिजुगी नारायण में लोग एक महीने तक धरना प्रदर्शन करते रहे लेकिन उन्होंने त्रिजुगी नारायण में अभी तक हॉस्पिटल नहीं बनाया।
ये स्थिति है इनकी। तो स्थानीय विधायक भी तो बना सकते थे बात करके सरकार से, सकते बात करके की है, कई बार बात की है। विधायक जी वहाँ गए, विधायक जी ने जो है विधानसभा के अंदर कई क्वेश्चन उठाए हैं। मैं तो बोलता हूँ नियम 58 के तहत माननीय विधायक जी ने गौरा देवी कन्याधन योजना के लिए नियम 58 में जब मुद्दा उठाया विधानसभा के अंदर, तब जाके जो है सरकार झुकी और इन्होंने हमारे रुद्रप्रयाग विधानसभा के रुद्रप्रयाग जिले के 600 बच्चों को अब जाके ये कुछ पैसा देने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी दिया नहीं है, पैसा दिया नहीं है सरकार ने। सर आपका कोई सवाल? सर सर सर्वप्रथम मैं प्रणाम करना चाहूंगा जी। सर मैं ये बीजेपी 11 साल मैंने सत्ता में रही और कांग्रेस 10 साल। सर मैं इनसे कहना चाहूंगा कि मैंने अभी तक ये है कि मैंने स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा जो भी मैंने काम किया है ना इन्होंने, ये मैंने कहीं मैंने काम उसके उस लायक नहीं है, क्योंकि हमारा हर जगह कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं मैंने टीचर नहीं है। काम क्या किया बताइए ना, काम क्या किया है? हमारे यहाँ काली, हमारा क्षेत्र है कालीमठ, वहाँ पर अभी तक डॉक्टर की सुविधा नहीं है। सर ये है कि मैंने बोल रहे काम कर रहे हैं विधायक साहब, वर्तमान में हमारे मरोराव जी विधायक हैं, वो बोले हमने काम किया है। अभी तक हम जब भी उनको कॉल करते हैं, कभी भी पूछते हैं कि सर आप हमारे क्षेत्र में कभी नहीं आते हैं, लेकिन बीजेपी कांग्रेस का ये जब तक चलेगा सर, ये तो हो गया मिक्स। मीन अब हमें बदलाव देखना चाहिए, क्योंकि बदलाव जरूरी है सर। आप चाहते हैं बदलाव हो। सर एक सवाल है उनका दोनों ही राजनीतिक दल से कि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं कर पाए। आपके स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करने के लिए कोई काम नहीं किया वर्तमान में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। कालीमठ का क्षेत्र का एरिया है, कालीमठ में है। विधायक जी ने कालीमठ के लिए जो वहाँ पे स्वास्थ्य वो है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो नहीं है वहाँ पे, कोई छोटा एनएम सेंटर है, उसके लिए स्वास्थ्य उपकरण के लिए सीडीओ को जो है लेटर लिखा हुआ है, लेकिन ये विभागीय अधिकारी जो है आज तक उस लेटर को वो सामान नहीं खरीद पा रहे हैं। इससे अगर वो सामान खरीदते तो सारे स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक हो जाती। ये हमारे डॉक्टरों की बहुत कमी है, आपके विधायक जी ने क्या बात की डॉक्टरों की है, लेकिन सरकार दे ही नहीं रही है डॉक्टर। विधायक जी ने तो कई बार डॉक्टरों के लिए बोला है, लेकिन नहीं, सरकार काम नहीं कर रही। सर कालीमठ का सवाल उठा था कि स्वास्थ्य सुविधाएं उस क्षेत्र में नहीं है, क्या आप रहेंगे तो आप लोग करेंगे इस क्षेत्र में विकास? निश्चित रूप से, आपने आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली में देखा, जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को फ्री व्यवस्था बस में की है और लोगों का विश्वास भी है। निश्चित रूप से यहाँ पर अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए शिक्षा में सुधार किया जाएगा, भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए स्वास्थ्य में सुधार किया जाएगा। और दोनों की सरकारें रही 21 साल हो गए, अभी तक डॉक्टर नहीं है। अभी तक 102 डॉक्टरों में 40% पड़े हुए हैं, 300 प्रवक्ता नहीं है, लगभग 70% प्रिंसिपल नहीं है जो प्रधानाचार्य हमारे इंटर कॉलेज में। दोनों पार्टियों ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया, जमकर यहाँ पे लोगों को लूटा है, लोगों का विश्वास इनसे उड़ चुका है। कहने का ये जितने भी युवा है उनकी एक अच्छी सोच है, वो चाहते हैं शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार हो, रोजगार पैटर्न में हो, इसलिए आम आदमी पार्टी की ओर ज्यादा से ज्यादा झुका हुए और लगातार आम आदमी पार्टी की ओर आ रहे हैं। ठीक है, आम आदमी पार्टी की ओर जा रहे हैं। सर आपको फिर से मौका मिलता है, आपके विधायक फिर से जीत के आते हैं, तो किस तरीके का विकास कार्य करेंगे? अगर मैं तो ये बोलूंगा कि हमारे 2022 में कांग्रेस की सरकार आ रही है, हमारे विधायक जी यहाँ से जीतेंगे, वो मंत्री बनेंगे और उसके बाद हम वो विकास करेंगे जो पूर्व में विधायक रहते विकास नहीं करेंगे। विधायक रहते हुए विकास, अभी जो मैं बता रहा हूँ विधायक जी विकास कर रहे हैं, लेकिन सरकार आड़े आ रही है, सरकार कहीं काम करने नहीं दे रही है, विधायक जी को रोक रही है काम करने से, कहीं विद्यालयों का उच्चीकरण नहीं कर पा रही है, कहीं टीचर नहीं भेज पा रही है कई जगह। हम तो ये बोल रहे हैं कि ये इस सरकार को केवल मुख्यमंत्री बदलने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। अगर ये काम करना चाहते तो हॉस्पिटलों में तमाम डॉक्टर भेजते, हॉस्पिटल खोलते, त्रिवेणी जैसे हॉस्पिटल को खोलते, है ना, लेकिन इनके पास कोई विकास की सोच नहीं है। आपके पास विकास की सोच? हमारे पास विकास की सोच है, अगर हम पुनः एक बार जीत गए तो हम अपने क्षेत्र का चौमुखी विकास करेंगे। मैम एक आखिरी सवाल आप लोगों से कि आपको फिर से सत्ता मिलती है, इस बार विधानसभा चुनाव भी आप ही की पार्टी यहां से जीतती है, तो किस तरीके का विकास करेंगे और क्या महत्वपूर्ण योजना होगी आपकी? देखिए यहां रोजगार का भी विषय है, तो हमारा जो बड़े काम है इस विधानसभा में, जैसे बीएमएस कॉलेज खोलना है, ऐसे कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे खुले और जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, यात्रा से जुड़ी, पर्यटन से जुड़ी योजनाएं हैं, पर्यटन के क्षेत्र में अच्छा काम हो, हमारे यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, उन प्लेसों का विकास हो, वहाँ पर लोग आए और लोगों को यहीं रोज़गार मिले। रोज़गार की ये लोग बात कर रहे हैं,
लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि स्वरोजगार की तरफ भी हमारी सरकार ने बहुत काम किया है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। आज हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री महिला मंगल तक से सीधे डायरेक्ट बात करते हैं, जो गांव में स्वयं सहायता समूह हैं उनसे तक डायरेक्ट बात करते हैं कि आप किस तरह का स्वरोजगार करना चाहते हैं। उन लोगों को बिना ब्याज के लोन देते हैं और उनको स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ने। मैम मुख्य मुद्दा क्या रहेगा अगर आपकी सरकार प्रदेश में बनती है और ये सीट भी आप लोग जीतते हैं तो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा विकास का मुद्दा रहा है, रोजगार का मुद्दा रहा है। विकास करेंगे इस राज्य को, बहुत मतलब ये देश का भाल है, इसे देश का भाल बनाएंगे। राज्य भाजपा ने बनाया है, इसका विकास भी भाजपा ही करेगी। ठीक है सर, विकास करेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल, अगर आप सीट जीतते हैं, आप सरकार बनाते हैं, तो क्या आपकी महत्वपूर्ण चीजें होंगी जो आप प्रदेश के लिए करेंगे और इस विधानसभा सीट के लिए करेंगे? देखिए, हमारा प्रदेश स्तर से राज्य की अस्थायी निवासी राजधानी, अस्थायी राजधानी गैरसैंण बनाएंगे। राज्य में मूल निवास प्रमाण पत्र लागू करेंगे, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र समाप्त करेंगे। मूल निवासियों को सरकारी गैर सरकारी नौकरी में 80% आरक्षण देंगे। राज्य आंदोलनकारियों का उचित सम्मान देंगे। ग्राम पहरी, आशा कार्यकर्ती, भोजन माता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायकों, होमगार्ड, पीआरडी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। उपनलन संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा। आपको गेस्ट टीचरों को नियमित किया जाएगा। राज्य में लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य में मूल निवासियों को बिजली पानी में छूट दी जाएगी। मंदिर समिति को पूर्व की बात बहाल किया जाएगा और तीर्थ पुरोहितों का हक हकूक बरकरार किया जाएगा। राज्य में लिंक मोटर मार्गों का सुधारीकरण किया जाएगा। राज्य में शिक्षा स्वास्थ्य उचित व्यवस्था की जाएगी। फसलों को जंगली जानवरों से सुरक्षा दी जाएगी। पलायन पर रोक किया जाएगा। पर्यटन स्थलों का विकास एवं मूलभूत सुविधा की जाएगी। राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। हिमाचल की तर्ज पर भू कानून बनाया जाएगा। ये पूरे राज्य में हम वो करेंगे। और जहाँ तक ये कानून बनाया जाएगा और व्यवस्थाएं आप लोग करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल आपका कि क्या विकास करेंगे भाजपा अगर वापस आती है तो? देखिए, 2017 से और 2022 तक हमने इस प्रदेश के अंदर विकास की एक नींव तैयार की है और पूरे प्रदेश में जो माहौल अभी चल रहा है, माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और हमें पूर्ण विश्वास है कि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र पर भी इस बार कमल खिलेगा और जो नींव हमने 2017 से 22 तक रखी है उस पर हम विकास की एक इमारत बनाने वाले हैं और निश्चित रूप से उसके बाद भी हम प्रयास करेंगे एक कार्यक्रम जो चुनाव परिणाम के बाद आपका दोबारा हो और भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश में सरकार बने। ठीक है सर, सभी राजनीतिक दल को आपने सुना, जनता की बात भी आपने सुनी और आपने जाना कि आखिरकार जनता का रुख क्या है। जनता चाहती है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए, वहीं भाजपा कह रही है कि इस पर चर्चा की जाएगी और साथ ही कांग्रेस भी कह रही है कि वो 2022 में चुनाव बनाएगी, चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचेगी। लेकिन नई पार्टी आम आदमी पार्टी चाहती है कि वो इस बार उत्तराखंड में कब्जा करे और अपनी पार्टी बनाए। कुल मिला के कहा जा सकता है कि केदारनाथ विधानसभा सीट पर क्या 2022 चुनाव का असर पड़ता है और क्या वहां की जनता एक बार फिर कांग्रेस को जिताती है या फिर यहाँ इस बार भाजपा का विधायक मिलता है, इस पर करेंगे चर्चा फिर से एक बार। लेकिन तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। किस्सा कुर्सी में आप सभी का स्वागत। आज हम पहुँचे हैं केदारनाथ विधानसभा सीट पर। भाजपा और कांग्रेस सिर्फ एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाती है, क्योंकि आपने देखा 11 साल भाजपा की सरकार रही, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। जो 11 चोर जिनको चोर कहा बीजेपी वालों ने, महाचोर बना दिया, अपने यहाँ बुला दिया, उनके संबंध में आपके। और यहाँ का जो आम आदमी है, युवा परेशान है, उसके लिए रोजगार नहीं। आपने तब सड़कें कटवाई जब नानदत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, जब 2007 में आपकी सरकार आई तब तो आपने कोई सड़कें नहीं कटवाई। जो अपना केवल ये मुनीम बदलना है, मुख्यमंत्री पर मुख्यमंत्री की खट्टी बनाने के लिए, यहाँ विकास कुछ नहीं किया है। ये सरकार चला रहे अडानी अम्बानी के कहने से सरकार नहीं चलेगी। विधायक जी जो हमारे यहाँ पे है, मनोज रावत जी, उनका कहीं नाम नहीं। मनोज रावत जैसी शख्सियत और अच्छा पढ़ा लिखा इंसान पूरे क्षेत्र में काम कर रहा है। प्रदेश में विकास की गंगा बहा दी गई है महोदय, ऐसी गंगा बहाई है कि 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। एक भी विधायक मंत्री की यह कहने की हिम्मत नहीं हुई कि यह फैसला पहाड़ के पक्ष में नहीं, ये चार धाम के पक्ष में नहीं है। तो साहब, ये हमारा उत्तराखंड है, ये आपकी भाजपा की कोई प्रयोगशाला नहीं है जो आप इसमें 5 सालों में 2 मुख्यमंत्री 4 मुख्यमंत्री बना दीजिए। हमारा जो नारा है, अब की बार